نحمده ونصلي ونصلي على مولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. मैंने जो आयाए करीमा पढ़ी है इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया। ये सफर मेराज का बयान है और दूसरा तफसीली बयान कुरान मजीद के आखिर में सूरह अन-नज्म में इरशाद है। वन नजम इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। और फिर वो 18 आयतों तक मेराज का मजमून सूरत मुबारका में बयान किया। आज का बयान जो मैं कर रहा हूं उसकी इब्तिदा इस नुक्ते से करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़रे मेराज और मोजज़े मेराज का बयान सुबहान कह के किया है कि पाक है वो ज़ात अल्लज़ी असरा बिअब्दिही जो अपने मुकर्रब और मुकर्रम और महबूब बंदे को ले गई सैरे मेराज पर ले गई। क्या? मेराज की सैर पर ले गए। पाक है वो ज़ात। अरबी जुबान में और मुहावरा अरब में जब कोई बात सुबहान अल्लाजी के साथ शुरू की जाए तो ये एक तरह की कसम होती है, एक तरह की कसम होती है। कोई अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मोजज़े मेराज का जिक्र अपनी बुजुर्गी बरतरी और अपनी शान सुबूहियत की कसम खा के अपनी पाकी की कसम खाई है और अपनी कसम के साथ फरमाया कि वो ज़ात पाक है जो ले गई अपने हबीब को अपने बरगुजीदा बंदे को मेराज पर। अब सुबहान अल्लज़ी से बयान मेराज करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अल्लाह के कलाम में किसी मुसलमान को तो शक हो नहीं सकता, किसी मुसलमान को तो शक व शुबा हो नहीं सकता, तो उसको तो कसम, उसके लिए तो कसम खाने की ज़रूरत नहीं। रह गए काफिर और मुनकिर, वो अल्लाह कसम कलाम में खाए या ना खाए उसका उनको फर्क नहीं पड़ सकता। तो सुबहान से बात शुरू क्यों की इस कसम से? वजह ये कि ये एक बड़ा अजीम नादिरुल वजूद मोजज़ा था। अगर मेराज मनामी होता, हालत ख्वाब में होता तो रब करीम उसका जिक्र कभी कसम खा के न करता।
कसम खाकर वाकिया मेराज को बयान करने का वाहिद मकसद ये है कि ये मेराज मुस्तफ़ा को आलम ख्वाब में रूहानी तौर पे नहीं हुआ था, बल्कि आलम बेदारी में जिस्म और रूह के साथ हुआ था। इसलिए उसका बयान कसम खा के किया कि पाक है वो ज़ात। अगर ख्वाब में होता तो ख्वाब में तो आलम बाला की, आसमानों की, अर्श इलाही की ये ज़ियारतें ख्वाब में तो अंबिया को और औलिया को होती ही रहती। आलम ख्वाब में इन जगहों को देखना और ज़ियारत करना और जन्नत और दोज़ख को देखना, आसमानों को देखना, मलाइका में जाना, जिब्राइल को देखना, उसे ऊपर जाना, आलम ख्वाब में ये कोई इतना मुहय्यरुल उकूल वाकया नहीं है, इतना अजीब वाकया नहीं है कि जिसको कसम खा के बयान करने की ज़रूरत हो। सो सुबहानल्लज़ी से इस आयत करीमा का शुरू होना इस बात पर दलालत करता है, लफ्ज़ सुबहान इस बात पे दलालत करता है कि लोगों मेराज मनामी नहीं, ख्वाब का नहीं, मेराज जागने का वाक़िया, बेदारी का वाक़िया। एक बात। दूसरी बात ज़हन रख लें कि मेराज एक मोजज़ा है, मेराज एक मोजज़ा है, और मोजज़ा उस वाकया को कहते हैं जिसको समझने और मानने से अक्ल आजिज आ जाए, जिसको समझने और मानने से इंसानी अक्ल आजिज आ जाए, चूंकि वो खिलाफ़ आदत होता है, खिलाफ़ तरीका होता है, खिलाफ़ ज़ाबिता होता है। अक्ल जिन उमूर को समझने की आदी होती है, मोजज़ा उस ज़ाबते के खिलाफ वाक़ होता है, लिहाजा अक्ल उसको न समझ सकती है न मान सकती है। तो जिस बात को अक्ल समझने से आजिज हो उसको मोजज़ा कहते हैं, और जिसे अक्ल आसानी से समझ ले और मान ले वो मोजज़ा हो ही नहीं सकता, वो मोजज़ा बोलिए हो ही नहीं सकता। इसी तरह वो करामत नहीं हो सकती। तो मोजज़ा होने के लिए ज़रूरी है कि उस वाक़े की नौइयत ऐसी हो कि अक्ल इस निज़ाम आदत के तहत उसे न समझ सके न मान सके, तब वो मोजज़ा होता है। अब यहाँ ये बात समझ लें कि जब मेराज को मोजज़ा मान लिया, जिसने भी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसने भी मेराज को एक बार मोजज़ा मान लिया, तो मेराज को मोजज़ा मानकर फिर इसे ख्वाब कहना इसका कोई जोड़ नहीं। मेराज को मोजज़ा मानकर फिर इसे ख्वाब कहना और मनामी मेराज कहना, इन दो चीजों में खुला तजाद है। अगर ख्वाब है तो मोजज़ा नहीं है, अगर मोजज़ा है तो ख्वाब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सुबहानल्लज़ी कहकर बयान कर दिया कि ये वाकया मेराज इजहार आदत नहीं, इजहार कुदरत, इजहार आदत नहीं, इजहार कुदरत है, और ये अक्ल में समझ आने वाला, आदतन समझ आने वाला नहीं, बल्कि अक्ल को आजिज कर देने वाला है। इसलिए कहा सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने ये मोजज़ा अपने हबीब की शान को, अजमत को, रिफत को, सत्वत को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए बपा किया। ये मोजज़ा है। तो लफ्ज़ सुबहान इसके मोजज़ा होने पे दलालत करता है। अब तीसरी हिकमत इसमें और है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को सैर पे ले गई। काफिरों ने इनकार कर दिया, काफिरों ने
इनकार कर दिया। उन्होंने शहर मक्का में एक हंगामा खड़ा कर दिया, शोर मचा दिया, भाई ये कैसे मुमकिन है? मुसलमानों के नबी ने कहा है कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर फोकल सिदरा गया, मिराज पर गया, वापस आ गया। नबी कहते हैं कि मैंने इतना सफर किया और वापस आ गया, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने कहा बदनसीबो और ना समझो, मेरे नबी ने ये दावा ही नहीं किया। उन्होंने कहा, अबू जहल ने कहा कि नबी ने कहा है कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से अक्सा पर और अक्सा से आसमानों तक गया और फौक समावात गया, हम नहीं मानते। अल्लाह ने कहा, मेरे नबी ने कहा, अल्लाह ने कहा मेरे नबी ने ये कहा ही नहीं कि मैं गया, मेरे हबीब ने ये कहा ही नहीं कि मैं गया। तो काफिर हैरान हो गए कि बारी ताला तो फिर बात क्या है? उसने कहा गौर से सुनो, मेरे मुस्तफा ने कब कहा है कि मैं गया? ये तो मैंने कहा है कि मैं ले गया। तो सुभान कहने का मकसद ये था कि मौजज़ा मेराज की हक्कानियत का इनकार करने वालों और आलम बेदारी में मुस्तफा के मेराज पर मुतहय्यर होने वालों और आलम बेदारी में मुस्तफा के मेराज पे ताज्जुब करने वालों, इनकार करने वालों, डंडोरा पीटने वालों, हंगामा खड़ा कर देने वालों, अक्ल से काम लो, सोचो। मुस्तफा ने दावा ही नहीं किया कि मैं गया, दावा मुस्तफा का नहीं, दावा खुदा का। अगर मुस्तफा कहते कि मैं गया, फिर तुम इनकार करते, तुम्हारी मर्जी। खुदा कह रहा है कि मैं ले गया, अब जिसने रद्द करना है मेरी बात को रद्द करे, मुस्तफा को ना करे। अब जो मुस्तफा के बेदारी के मौजज़ा मेराज का इनकार करेगा, वो इनकार मुस्तफा नहीं कर रहा, वो इनकार खुदा कर रहा, क्योंकि हुजूर ने तो दावा ही नहीं किया कि मैं। उसकी शान देखो, उसने हबीब को दुश्मनों की तानों से बचा के एक तरफ, हबीब आप तो इधर आराम से बैठ जाएं, मैं जानूं और ये बदबख्त जाए, मेरे हबीब आप न कहें कि मैं गया, आप न कहें कि मैं गया, मैं कह रहा हूं कि मैं ले गया। अब जिसे इनकार करना है वो मुझसे मुकाबला कर ले, मेरी कुदरत का इनकार कर दे, मेरी ताकत का इनकार कर दे, मेरी अजमत का इनकार कर दे। लिहाजा मौजज़ा मेराज का आलम बेदारी में इनकार करना वो अजमत मुस्तफा का इनकार नहीं है, कुदरत खुदा का इनकार। इसलिए अल्लाह पाक ने इसे लफ्ज सुबहान से शुरू किया कि पाक है वो जात। और एक खास बात आपको समझा दूं, बड़ी खास बात, आप में से अहले इल्म को मालूम हो, बहुत सो को मालूम नहीं होगा, बहुत सो अहादीस नबवी में आता है और कुतुब सैयर में, अहादीस में और तफसीर की हर किताब उठा के देखें। इमाम इब्न जरीर तबरी को देखें, इमाम इब्न अबी हातिम को देखें, इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक को देखें, इमाम इब्ने कसीर को देखें, इमाम जलालुद्दीन सुयूती को देखें, फखरुद्दीन राजी को देखें, इमाम बगवी को देखें, इमाम कर्तुबी को देखें, इमाम खाजन को देखें, आलूसी को देखें, जिस तफसीर की किताब को चाहें, इसमें कोई शक नहीं है, एक वाकया हकीकत है और कुतुब हदीस में है। वो क्या कि जो लोग मेराज के वाके से पहले ताजा ताजा ईमान लाए थे और मुसलमान हुए थे, वाकया मेराज हुजूर की जुबान अकदस से सुनकर कई लोग उनमें से मुर्तद हो गए, कई मुसलमान मुर्तद हो गए। बहुत खास दलील आई दे रहा है और इसको बतौर इस्तदलाल कभी आम तौर पे पेश, आम तौर पर
नहीं किया गया, बहुत कलील अहले इल्म की तवज्जो इस अमर की तरफ गई है। कई लोग जो कच्चे मुसलमान थे, ताजा ताजा ईमान लाए हुए थे, मुसलमान थे, मुर्तद हो गए, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया ये कहकर कि ये बात मानने के काबिल ही नहीं, ये कहकर माज़अल्लाह के ये बात मानने के काबिल नहीं, तो मुर्तद हो गए। कुरान मजीद ने इस वाक्य की तरफ इशारा किया, फरमाया वमा जअलना रुयल लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास। और हबीब ये जो मुशाहदा हमने आपको कराया शबे मेराज, ये लोगों के ईमान के लिए आजमाइश बन गया कि कौन आंखें बंद करके मौजज़ाए मेराज पर ईमान लाता है और कौन अपनी अक्ल को दख देकर मुतज़लज़ल हो जाता है। वमा जअलना रुयल लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास, ये आजमाइश बन गया, लोगों के ईमान की आजमाइश बन गया। देखिए दो वाक्य बड़ी अजीब आजमाइश बने, कितने दो वाक्य बड़ी अजीब आजमाइश बने, एक में रब ने सबको बचा लिया, एक आजमाइश में किस्मत वाले बच गए महरूम फंस गए। एक आजमाइश उस वक्त थी जब हिजरत मदीना के 18 महीने बाद मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए दौरान नमाज आका के कल्बे अथर में ख्वाहिश आई के किबला बदल लो और बैतुल मक़दिस को छोड़कर काबा मक्का को किबला बना लूं। ख्वाहिश आई और इस ख्वाहिश में चेहरे अनवर आपने बार बार ऊपर उठाया हालत नमाज में और जवाब आया कद नरा तकल्लुब वजहका फिस समा। हबीब आपके रुखे अनवर का, चेहरे अनवर का बार बार ऊपर उठना हम देख रहे हैं हालत नमाज में। सूरत यह थी कि बैतुल मक़दिस मसलन इस तरफ था तो मक्का इस तरफ था, दो अपोजिट थे, अपोजिट नमाज पढ़ रहे थे इस तरफ मुंह करके, हुजूर अलैहिस्सलाम जमात करा रहे हैं और सहाबाए कराम के मुंह उस तरफ हैं, जमात की नमाज हो रही है, काबा मक्का इस तरफ है। अब आप समझ गए हालत नमाज में अमर आ गया कद नरा तकल्लुब वजहका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। हबीब हमने आपका मुखड़ा बार बार पलटना देख लिया है, अगर तू इस पर नहीं इस किबले पे राजी है तो हबीब हमारी अपनी गरज ही क्या है किबलों से, हम सिमतों के मोहताज नहीं हैं, हम मशरिक़ व मग़रिब की जिहतों के मोहताज नहीं हैं, हम किबलों के तायुनात के मोहताज नहीं हैं। मेरी इबादत, मेरी माबूदियत, मेरी उलूहियत और मेरी खुदाई न इस सिमत की मोहताज है न इस सिमत की मोहताज है। महबूब ये भी तेरी खातिर था, ये भी तेरी खातिर है, जिधर तू राजी है उसी को किबला बना दो। तो फरमाया फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा, हबीब जिस तरफ आप राजी हैं हम उसी को किबला बना दो। तो हालत नमाज में अम्र इलाही पाकर आका अलैहिस्सलाम ने नमाज में, अब सहाबा को तो बता नहीं सकते थे क्योंकि नमाज थी, खामोशी से रुख बदल लिया। अब थोड़े मंजर को समझें कि इमाम का मुंह उधर, पीछे मुक्तदी खड़े और रुख बदल लिया दाएं बाएं नहीं उल्टी सिमत, तो फिर के चेहरा पाक फिर के मक्का की तरफ कर लिया। अब सिमत क्या बन गई, मुक्तदियों का मुंह इधर और इमाम का मुंह, आका का मुंह इधर। सो क्या सूरत थी फिर, आमने सामने तो नमाज नहीं होनी थी, तो सफों को चीर के ताजदार कायनात इधर आके खड़े हो गए। अब जब इधर खड़े हो गए तो हुजूर का चेहरा अकदस इधर है और मुक्तदी सहाबा का चेहरा इधर है, तो ये एक लम्हा आया, बस एक लम्हा, जब मुस्तफा का रुख इधर था और सहाबा का रुख उधर था, चूंकि उस वक्त तक शरण उनका किबला उधर, अभी तक तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया ही नहीं था कि रुख क्यों फेरा है, तो चेहरा मुक्तदियों का उधर मुस्तफा का इधर, वो जो लम्हा था वो लम्हा आजमा।
अल्लाह पाक ने फरमाया वही लफ्ज़ वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुंत अलैहा, वही कलिमा वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुंत अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अलआक़िबतु। यहां भी वही कलिमा फरमाया वमा जअलनर रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितरतन लिन्नास, एक ही उस्लूब कुरान फरमाया वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुंत अलैहा, मेरे हबीब जिस क़िबले की तरफ आप थे हमने वो बनाया इसी गरज से था और मुकर्रर इसी लिए किया था लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैह, ताकि एक ऐसी घड़ी आए कि उस घड़ी में क़िबला मारूफ क़िबला सहाबा का उधर हो और मुस्तफा तेरा चेहरा इधर हो, मुतजाद सिमते आ जाएं और उस घड़ी में सहाबा को रख कर अब आजमाएं कि कौन क़िबले की तरफ जाता है कौन मुस्तफा। वो एक लम्हा आजमाइश था, वो एक लम्हा इम्तिहान था कि जब एक तरफ रुखे मुस्तफा था एक तरफ किबला खुदा था और सहाबा को अभी अल्लाह का अम्र तो पहुंचा नहीं कि करना क्या है, हुजूर ने चेहरे अनवर क्यों बदला है, वही आई है हिकमत है, उन्हें तो कुछ मालूम नहीं, उन्हें आका हुक्म दे तो कुछ पता चले कि क्या करना है। एक लम्हा इम्तिहान था तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो सहाबा कराम ने फैसला किया कि समझ को छोड़ दो, इश्क जो कहता है लेना अलमा, और अल्लाह ने कहा कि हम आजमाना चाहते थे कि तुम्हारे ईमान की बुनियाद क्या है, अक्ल है, तुम्हारे ईमान की बुनियाद खिरद है, समझ है, फहम है, इदराक है, कियास है, तखय्युल है, ताक़ुल है, तफक्कुर है, तदब्बुर है, हुक्म है, इंतजार है, क्या बुनियाद है तुम्हारे ईमान की। फरमाया सारी बुनियादें मिटा दो, एक बुनियाद रख लो जिधर यार जिधर रुखे मुस्तफा है वही काबा खुदा। उस फरमाया अल्लाह पाक ने कि सहाबा ने फिर क्या किया, सारी सोचें छोड़ दी और बगैर सुने समझे हुक्म का इंतजार किए किबला छोड़ दिया और मुस्तफा के पीछे लगे, बाद में पूछते रहेंगे हुजूर क्या वजह था। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद ने मा कान अल्लाह लियुदिया ईमानकुम, अल्लाह ने उनका ईमान जाय होने से बचा लिया, अल्लाह नहीं चाहता था कि उनका ईमान जाया हो, गोया अगर किबले को थामे रखते तो ईमान जाया हो जाता, किबले को छोड़कर ईमान बचा। आज लोग ईमान के लिए काबे की तरफ दौड़ते हैं, आज लोग ईमान के लिए काबे की तरफ दौड़ते हैं, और अल्लाह ने कुरान में जो जाब्ता दिया है फरमाया ईमान के लिए काबे की तरफ नहीं काबे के काबे, काबे तो बदलते रहते हैं जिधर मुस्तफा का रुख है वही काबा, ईमान के बचाव के लिए मुस्तफा की तरफ जाओ। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया वही उसलूब कुरान मजीद का, मैंने वो अल्फाज के मुताबिक वमा जअलनर रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास, और हमने लोगों के लिए आजमाइश बनाया ये मुशाहदा जो आपको कराया था। तो नुक्ता बता ये रहा था कि कई लोग कच्चे ईमान वाले ऐसे थे कि जब उन्होंने मेराज का वाकया आका अलैहि सलाम से सुना तो मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ गए कई बदनसीब। अब जो बात इस वाकया से अख़्ज़ करना चाहता हूं वो ये, अगर हुजूर ने मेराज ख्वाब की शक्ल में सुनाया होता, अगर वाकया मेराज बतौर ख्वाब हुजूर ने बयान किया होता तो कोई मुर्तद होता? बस ये बात होता कोई मुर्तद? ख्वाब को न मानने में क्या अमर माने था? अगर सुनाते कि मैंने ख्वाब में मेराज किया है तो जरूरत थी किसी को मुर्तद होने की?
नहीं थी तो मुर्तद क्यों हुए? हुजूर ने फरमाया ये सारा सफर रात के लम्हे में बेदारी में किया है, ये बात समझ नहीं आई। जिन्होंने समझ पे तोला मुर्तद, दो ग्रोह हो गए, कुछ समझ पे तोलने वाले, कुछ इश्क पे तोलने वाले। जिन्होंने समझ पे परखा, बात चूंकि ख्वाब की हो नहीं रही थी, तो देखिए भाई सही मालूमात किसको है, किसको थी कि हुजूर ने मेराज का जिक्र ख्वाब की शक्ल में किया या बेदारी का? जो बराह रास्त सुन रहे थे उन्हें सही खबर थी या 1400 साल बाद आज आज के मौलवियों को खबर है? बोलिए ना, आज के मौलवियों को ज्यादा मालूमात है कि हुजूर ने ख्वाब बयान किया या बेदारी, या जो बराह रास्त हरम मक्का में हरम काबा में सुन रहे थे उन्हें ज्यादा खबर थी? बोलिए, उनको खबर थी, उनको खबर थी जो खुद सुन रहे थे। इसलिए जिन्होंने अक्ल से काम लिया मुर्तद, जान रहे थे कि ख्वाब होता तो मान लेते, मुर्तद इसलिए हुए कि बेदारी की बात। अक्ल वाले मारे गए, इश्क वाले बच गए। और क्या हुआ? हदीसे पाक में आता है, कई कुफार का गरो बनकर दौड़ा सुबह सवेरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक की कुंडी खटखटा दी, दरवाजा खटखटाया सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अनु का, और जाके कहा कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अनु, आपके पैगंबर ने दावा कर दिया है कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आसमानों तक मेराज पर होके वापस आ गया। आपके पैगंबर ने यह कहा है कि मैं रातों रात सफर मेराज पर गया और आ गया। अब खास मेरे जुमले पे तवज्जो करें, इमाम कुर्तबी को उठा रहे, दीगर कुतुब में भी मगर कुर्तबी तफसीर। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा अंतुम तकज़िबून अलैहि, अब अल्फाज पर गौर करते चले। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली बात तो ये की सुनकर, फरमाया तुम झूठ बोलते हो। ये उन्होंने नहीं कहा होगा, ये उन्होंने नहीं कहा होगा, अंतुम तकज़िबून, तुम उन पर झूठ बोल रहे हो। तो इससे क्या पता चलता, अगर ख्वाब की बात होती तो कभी ना कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो आलम बेदारी का बयान हो रहा था, इसलिए कान तुम तक से बुना ले, झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया काफरों ने, या अबा बकर हा हुआ जालिसुन फिल मस्जिद व युहद्दिसु असहाबहु, जाओ कानों से सुन लो, वो मस्जिद में अभी भी बैठे ये बात लोगों को बता रहे। हा हुआ जालिसुन फिल मस्जिद युहद्दिसु असहाबहु, जाओ मस्जिद में बैठे वो अभी बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हुवा युहद्दिसु असहाबहु अलान, अपने साथियों को इस वक्त भी बता रहे हैं? उन्होंने कहा नाम, हुवा युहद्दिस, बयान कर रहे हैं। फरमाया वल्लाह लौ काला हाकज़ा सदा, पहले फरमाया कि तुम झूठ बोल रहे हो, उन्होंने नहीं कहा होगा। बात अजीब थी, ख्वाब की बात होती तो ये जुमले न बोलते, जब उन्होंने कहा नहीं वो अभी भी कह रहे हैं जाके अपने कानों से सुन लो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा वल्लाह लौ काला हाकज़ा सदका, खुदा की कसम अगर मुस्तफा ने कहा है तो फिर सच कहा। इस पर कुफार बोले, मैं मुकालमा बता रहा हूं जो सैयदना सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर खड़े खड़े काफरों में और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दरमियान हुआ, वो मुकालमा सुना रहा। जब ये बात हुई तो वो कहने लगे या अबा बकर हल अंत तुसद्दिकहू बिगैर अन तस्मा मिन्हु, या अबू बकर तुमने जाके उनको सुना ही नहीं और सुने बगैर ही खड़े होके तस्दीक कर रहे। अंत तुसद्दिकहू बिगैर अन तस्मा मिन्हु, बगैर सुने यही खड़े तस्दीक कर रहे हो? उन्होंने कहा वल्लाह अना उसद्दे कहूं बेअजब मिन्हा, खुदा की कसम ये मेराज की बात है, मैंने तो इससे भी अजीब तर बातें मुस्तफा से सुन के तस्दीक की। मैंने हमने तो इससे भी अजीब बातों की तस्दीक कर रखी है,
उन्होंने कहा कौन सी अजीब बातों की तस्दीक कर रखी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा यह तो मुस्तफा का आसमानों और ला मका तक जाना और आना है, इसकी तस्दीक पे तुम्हें ताज्जुब हो रहा है, हमने तो बगैर देखे मुस्तफा से सुनकर खुदा को मान लिया है। उसने कहा खुदा है, हमने कहा मुस्तफा। उसने कहा एक है, हमने कहा एक। हमने तो खुदा का होना मान लिया है। उस हबीब के कहे पर तो ये बातें तो छोटी बात है। जब ये मुकालमा हो गया तब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े और मस्जिद हराम में पहुंचे। आका अलैहिस्सलाम मजलिस में वाकया बयान फरमा रहे थे, जाके बैठ गए। अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे भी सुनो, मेराज का वाकया मुझे भी सुनो। फिर हुजूर बताते थे, एक एक जुमला सुनते सुन के कहते थे सदकता या रसूलल्लाह, आपने सच फरमाया या रसूलल्लाह। फिर सुनते थे सदकता या रसूलल्लाह, फिर अगली बात सुनते सदकता या रसूलल्लाह। जब बयान मुकम्मल हुआ आका अलैहि सलाम ने फरमाया या अबा बकर अंत सिद्दीक अल्यौम, अबू बकर आज तू अबू बकर नहीं रहा, सिद्दीक। तो बताना चाहता हूं अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक मानने वालों ये भी जान लो कि सिद्दीक बने कैसे, ये भी तो जान लो कि वो सिद्दीक अकबर बने कैसे। हुजूर के बेदारी के मेराज पर बिन सुने तस्दीक करके सिद्दीक हो गए। तो ये मैं तफसीर की सुभान की, सुभान अल्लाजी पाक है वो जात जो ले गई, जो ले गई। अब फिर ले गई कहां से कहां तक, इस आयत करीमा में सफर के तीन हिस्से बयान किए गए। इतने हिस्से फरमाया मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब एक बड़ी खास बात है, इस आयत करीमा पर एक और एंगल से तवज्जो करें, एक नई जेहत समझा रहा हूं, नई जेहत। इस आयत करीमा में जो अंदाज खिताब है वो तीन बार बदला है। सीखे खिताब के बोलिए तीन बार बदले, इब्तिदा किया सीगए गायब से, इब्तिदा हुई सीगए गायब से, फरमाया सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दे, पाक है वो जात, नहीं फरमाया कि पाक हैं हम या पाक हूं मैं, नहीं, क्या फरमाया पाक है वो जात जो ले गई। असरा, असरा का फाइल फिर अलिफ अल्लाह है। पाक है वो जात जो ले गई अपने हबीब मुकर्रम और अब्द मुकर्रम को मस्जिद हराम से अक्सा था। इतने हिस्से में सीगा गायब, समझ आ गई। अब कभी ऐसा नहीं होता अगर बात शुरू की जाए गायब के सीगे में तो वही चलता है, हाजिर मुतकल्ल हाजिर में हो, मुखातिब हो, मुतकल्लम हो, इस सीगे में बात हो उसी में जुमला मुकम्मल करते। तो इब्तदा की पाक है वो जात जो ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, यहां तक पहुंचकर यकायक अंदाज खिताब बदल गया। यकायक फरमाया मस्जिद अक्सा कौन सी, अल्लज़ी बारकना हौलहु, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द को हमने मुबारक कर दिया है। आपको फर्क समझ आया, बात शुरू की पाक है, यूं नहीं कहा कि पाक है हम जो ले गए, पाक है वो जो ले गया मस्जिद अक्सा तक जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकत दी। तो पहले वो था अब हम हो गए, की वो से बात शुरू की वो से, और यकायक इल्तिफात हुआ, सीगे में तब्दीली की और बारक ना हो गया, हमने बरकत दी। लिनोरे यहू में ना याते ना, ताकि हम मुशाहदा कराएं आयतों का। देखा वो से इल्तिफात किया और हम हो गया, समझ आई है बात। सो वो था अब
बोलिए ना, हम हो गया तो लेनोरे यहू में ना आते ना, अब हम चल रहा था यकायक फिर बदल दिया खिताब, और हम मुशाहदा कराएं आयतों का, इन्नहू वस्समीउल बसीर, और बेशक वो और वही सुनने वाला देखने वाला है, और फिर वही हो गया, चला वो से दरमियान में हम हुआ और हम को छोड़ के फिर वही हो गया। ये किताबी बात नहीं है, ये कह किस किताब में है, बस ये अल्लाह की किताब है, कुरान में, इससे बड़ी भी कोई किताब है, कुरान से बड़ी भी कोई किताब है, तो मैं तो अल्लाह की किताब से दे रहा हूं, और छोटी किताब की क्या जरूरत है। फरमाया पाक है वो जात, और हमने बरकत दी इर्द गिर्द, और वो और वही सुनने वाला देखने वाला है। तो तीन मर्तबा सीखा बदला, क्यों बदला, इसलिए कि मेराज का सफर तीन मरहलों में है, मेराज का सफर तीन मरहलों में है, जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर था, आलम नासूत का सफर, उसमें वो कह के बयान किया। दो हिकमतें हैं, तो पहली सुन ले, पहली आम हिकमत, दूसरी खास हिकमत। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर सीगा गायब से बयान किया वो, फिर लेनोरे यहू में ना आते ना, फिर आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक का सफर, ये आलम लाहूत और जबरूत का सफर, इसे हम कह के बयान किया ताकि हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएं। तो जब सिदरतुल मुंतहा नीचे रह गया और अब उस मुकाम पर पहुंचे जहां कोई मुकाम ही नहीं था, वहां पहुंचे जो लामकान था, तो वहां वो भी रह गया, हम भी रह गया, मलाइका भी रह गए, रफ रफ आया बुराक रह गया, रफ रफ आया एक मुकाम को पहुंचा के रफ रफ भी रह गया, फिर बुक्का नूर आया, वो मुकाम आया कि बुक्का नूर भी रह गया, जब आगे कुछ ना था सिर्फ वो था, और ये कुछ ना था सिर्फ खुदा था या मुस्तफा था, खुदा था या मुस्तफा था और कुछ ना था, वहां तजरीद और तफरीद की तरफ आ गए। फरमाया अब न कोई और सुनने वाला था, वो बोलता था तो ये सुनता था, न कोई देखने वाला था ये बोलता था वो, कोई और सुनने वाला ना था, ये देखता था वो दिखाई देता था, वो देखता था ये दिखाई देता था, जलवा खुदा था निगाह मुस्तफा की थी, जलवा मुस्तफा था निगाह खुदा की। दो बार दोहराया, इसको मैंने तजरीद और तफरीद कहा, बेशक वो फिर होगा और वही, एक इशारा अपनी तरफ कर दिया, एक इशारा यार की तरफ कर दिया। वो सुनने वाला था, और फिर फरमाया कि बस वो और वही सुनने वाला था, कोई शक नहीं वो और वही सुनने वाला, वो और वही देखने वाला था, बेशक वो और वही देखने वाला था। तो ये आखिरी एतराज का जवाब दे दिया, जिन्होंने कहा कि मुस्तफा गए कैसे, जिन्होंने कहा था कि मुस्तफा गए कैसे, उन्हें जवाब सुबहानल्लजी कह के दे दिया कि मुस्तफा ने कहा कब है कि मैं गया, तो मैंने कहा कि ले गया। तो जाने पर ताज्जुब करने वालों को जवाब सुभान से दे दिया, और एंड पर जाकर जिन्होंने कहा कि मुस्तफा ने देखा वो तो देख नहीं सकते, और खुदा दिखाई, बोलिए खुदा दिखाई नहीं देता, उसे देखा नहीं जा सकता। तो जिन्होंने उस मुकाम पर काबा कौसैन अदना पर एतराज किया कि देखा नहीं कैसे देखा, उसको जवाब दिया कि तुम सच कहते हो, अगर मुस्तफा देखता अपनी आंख से
तो एतराज बजा था, और अगर मुस्तफा सुनता अपने कान से तो एतराज बजा था कि कैसे सुना। फरमाया इन्नहु हुवा, था मुस्तफा पर आंख में, था मुस्तफा कान मेरा था, जब मुस्तफा मुझे देख रहे थे तो जलवा भी मेरा था, समाज भी मेरी, जलवा भी मेरा था, बसारत भी मेरी थी। सो मुस्तफा ने मुझे मुझसे देखा, मुस्तफा ने मुझे मुझसे सुना, मुस्तफा ने मुझे मेरी बसर से देखा, आए मुस्तफा ने मुझे मेरी आंख से देखा, और मुस्तफा ने मुझे मेरे कान से सुना। ये इशारा है इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, जात मुस्तफा की थी और समो बसर खुदा के लिबास पहना दिए थे। लो मुस्तफा एक जुब्बा पहन ले, ये है लिबास बसर, ये मेरी बसर का लिबास, मेरी आंख का लिबास पहन ले, अब मेरी समाज का लिबास पहन ले, अब मेरी समाज से मुझे सुन और मेरी बसारत से मुझे देख। अब कौन इतराज कर सकता है कि नहीं देखा। अल्लाह पाक ने इब्तिदा के एतराज को भी रद्द किया और इंतहा के एतराज को भी रद्द किया। ये तो तीन सीखे जो बदले, उनकी एक हिकमत है, तीन सीखे बदले उनकी, और ये हिकमत आम है और एक हिकमत खास भी है। तीन सीखे बदलने की एक हिकमत और भी है। जब फरमाया सुभान अल्लज़ी, पाक है वो जात, सीगा गायब की बात की, वो जात, फिर फरमाया बारकना हो लहू, बरकत हमने दी, फिर फरमाया बस वही समीउ बसीर, तीन सीखे बदले। तो जब वो कहा तो ये मरहला तफरेका था, ये तसव्वुफ और मारिफत की जुबान है। आम लोगों को इसका माना समझ नहीं आएगा। वो तफरका नहीं है जो आप लोग करते रहते हैं ना, वो तफरका नहीं, ये तसव्वुफ का तफरेका है, फिराक वाला। हाय हाय, क्या ये फिराक वाला, जुदाई वाला, ये तफरका इश्क है, ये तफरीका ताल्लुक है, ये तसव्वुफ और मारिफत की इस्तिलाह है। तो जब फरमाया सुभान अल्लाज़ी पाक है वो जात, तो ये बयान तफरीका था। फरमाया बारकना हौलहू, हमने बरकत दी, ये तफरीका मिटा दिया, ये मुकाम जमा आ गया, ये मुकाम जमा आ गया। तो तफरीका और जमा तक तो वली भी पहुंचे और नबी भी पहुंचे, मगर जब फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, तजरीद और तफरीद के मुकाम पर पहुंचे, तो ये मुकाम जम उल जमा हो गया, वहां जमा भी जमा में जमा हो गया। ये मुकाम सिर्फ मुस्तफा को नसीब हुआ, ये मुकाम सिर्फ मुस्तफा को नसीब हुआ, और इसके अलावा हिकमतें भी हैं। अर्ज कर रहा था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया यहां से वहां तक, और अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, और सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन हो अदना तक, जहां इन्नहु वस्समीउल बसीर का मंजर, वहां पहुंचाया। और जब उस मुकाम पर पहुंचे तो ये वो मुकाम है जहां उसकी समो बसर के जलवे हो रहे हैं। वहां पहुंचे तो मैंने आपको बता दिया, ले जाने वाले जिब्राइल भी रह गए, सवारी भी रह गई, सवारी भी रह गई। अगर सवारी ने रह ही जाना था तो शुरू से सवारी भेजने की जरूरत ही क्या थी। जैसे ऊपर ले जा रहा है बगैर सवारी के, तो शुरू से ही बगैर सवारी के ले जाता। नहीं, दिखाना था मखलूक को कि जो सवारी भेजी वो नूर है, मखलूक को बताना था भाई जो बुराक के रह जाने के बाद ऊपर ले जा सकता है वो यही मस्जिद हराम से ही बगैर सवारी के नहीं ले जा सकता। बोलिए, और पहले क्या बुराक ले जा रहा है या खुदा ले जा रहा है? अल्लाह फरमाता मैं ले गया, उसकी मर्जी जिस चीज पर ले जाए। तो सवाल ये है कि अगर वो ऊपर जाके सवारी रोक दी और सवारी आगे न जा सकी तो शुरू से ही बगैर सवारी के जाते, तो आता सफर सवारी पर और ऊपर का सफर
بغیر سواری کے, یہ کیوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا, یہ کیوں؟ ہاں اس کی حکمت ہے, بتانا تھا اس کو, معلوم ہے ایک وقت آئے گا کہ تم نور و بشر کے جھگڑے کرتے رہو گے. نور ہیں بشر ہیں, نور ہیں بشر ہیں, نور ہیں بشر ہیں, الجھ جاؤ گے. بتانا تھا, فرمایا سن لو, مصطفیٰ کے مقام کو فقط بشریت میں بند کر دینے والو, بشر تو مسجد اقصا میں رہ گیا, بشریت مسجد اقصا میں رہ گئی ہے. مصطفیٰ آگے چلے گئے, بشریت دیکھ لو وہ کھڑی ہے. تو پتا چلا بشریت مصطفیٰ کی شانوں میں سے ایک شان ہے, مقام نہیں, شؤون مصطفیٰ میں سے ایک شان ہے, مقام نہیں ہے. آگے چلے, اب آگے آپ کی باری آ, پہلے ان کی باری تھی بشر بشر کہنے والوں کی, بشریت مسجد اقصا میں رہ گئی تاکہ بشریت کو مصطفیٰ کا مقام بتانے والوں, سمجھو مصطفیٰ کا مقام بشریت میں ہوتا تو مسجد اقصا سے آگے نہ جا سکتے. سو بشریت میں مقام نہیں ہے, بشریت کا مقام مصطفیٰ, مصطفیٰ کا مقام بشریت میں نہیں, بشریت کا مقام مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. اب آپ کی بات آ گئی, مصطفیٰ کے مقام کو نورانیت میں بند رکھنے والوں, مقام کو فقط نورانیت میں بند کرنے والوں, وہ انہیں دکھانا تھا, یہ آپ کو دکھانا تھا. بتایا فقط نورانیت میں مصطفیٰ کے مقام کو بند کرنے والوں, براق اور جبرائیل سے بڑا تو نور کوئی نہیں ہے. عالم نور میں, عالم خلق میں براق اور جبرائیل سے بڑا تو نور کوئی نہیں نا, عالم خلق میں. فرمایا اور نبیوں سے بڑی بشریت تو کوئی نہیں نا, فرمایا بشریت تک رہ جانے والوں دیکھو بشریت وہ کھڑی ہے, اور فقط نورانیت میں بند سمجھنے والوں دیکھو براق بھی یہ کھڑا ہے, جبرائیل بھی یہ کھڑا ہے. مصطفیٰ آگے چلا گیا, بتانا مقصود یہ تھا کہ بشریت بھی مصطفیٰ میں ہے, مصطفیٰ بشریت میں, نورانیت بھی مصطفیٰ میں ہے, مصطفیٰ نورانیت میں محصور نہیں. بشریت بھی مصطفیٰ کی ایک شان, نورانیت بھی مصطفیٰ کی ایک شان, مصطفیٰ ان میں محصور نہیں, یہ مصطفیٰ میں محصور ہے. اور بتایا کہ بشریت اقصا میں رہ گئی, نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی, مصطفیٰ آگے چلے گئے تو پتا چلا وہ شانے تھی, مقام اس سے اوپر ہے. بشریت بھی حق ہے پر اتنی کہ اقصا پر کھڑی, بشریت حق ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے, بشریت کا انکار کرنا کفر ہے, حق ہے پر کتنا, وہ مسجد اقصا میں. نورانیت بھی حق ہے پر اس سے بڑی آگے, اس سے بڑی آگے, اس کا انکار کرنا گمراہی ہے, ایمان کو خاک میں ملانا ہے, گمراہی بدبختی ہے. مگر اتنی کہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہے, مقام مصطفیٰ بشریت سے بھی بلند ہے, نورانیت سے بھی بلند ہے. نور بشر بھی مصطفیٰ کے فیض لیتا ہے, نور بھی مصطفیٰ سے فیض لیتا ہے. اور پھر آگے بڑھے, دکھانا یہ تھا, یہ رف رف دیکھو, دیکھ لو آنکھوں سے, یہ پیچھے رہ گیا تو مصطفیٰ یہی کچھ ہوتے تو وہ بھی یہی رہ جائے. آگے چلے گئے, آگے پھر نور کا ایک مقام بلند, مقام رف رف آیا, وہ براق سے کبھی تر نور تھا. اس تخت پہ مصطفیٰ کو بٹھایا گیا, اس نے لا مکان عبور کیا,
پھر رف جب انوار و تجلیات الہیہ کا زور پڑا, اللہ کی تجلیات کا زور پڑا تو رف رف بھی رہ گیا. کیا آگے رف رف بھی نہیں جا سکتا. پھر ایک بکہ نور آیا, پھر بکہ نور میں لے جایا گیا. ایک مقام وہ آیا کہ اس سے آگے وہ بھی نہ جا سکا. اب ایک مقام وہ تھا کہ وہاں اور کوئی بھی نہ جا سکا, بس ادھر خدا تھا ادھر مقام. اللہ پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلا. اب حدیث پاک میں ہے صحیح بخاری شریف میں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں. فرمایا ثم دنا, اے دن الجبار رب العزت فکان منہ قاب قوسین او ادنا. خیال غلط نکال دے کہ وہ جبرائیل کے قریب ہو. جبرائیل جو رات دن حضور کے نواسوں کے چولہے چولتے ہیں ان کے قریب ہونا. ثم دنا, بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک کی روایت حدیث. فرمایا دن الجبار رب العزت اللہ قریب, اللہ قریب ہوا. اور اس کی ایک اور تفسیر جو امام جعفر صادق نے, انہوں نے تفسیر ایک اور کی, انہوں نے فرمایا ثم دنا, اے دنا محمد رب, حضور اللہ کے قریب ہوئے. دونوں تفسیر حق ہیں. وہ محبوب کے قریب ہوا, یہ خدا کے قریب. ثم دنا فتدلا, وہ قریب ہوا. اب یہ وہ مقام تھا کہ آواز آئی حبیب اب تو رک جا, حرم کعبہ سے چل کے یہاں تک تو آیا ہے, وادی مکہ سے چل کر یہاں تک, یہاں تک میرے حبیب تو آیا ہے, اب تو رک جا, اب آگے بڑھ کے میں آتا ہوں, آگے میں آتا ہوں. اور امام عبد الوہاب شعرانی نے الجواقیت والجواہر بڑے اور عرفا نے بیان کیا, آواز رب کائنات نے دی قف یا محمد ان ربک یصلی, حبیب اب رک جا, آپ کا رب آپ پر صلات پڑھ رہا, رک جا قف رک جا, ان ربک یصلی, آپ کا رب آپ پر سلام پڑھ رہا ہے. حبیب رک جا, تیرا استقبال سلام کے ذریعے. معراج کی شب اس مقام پر مصطفیٰ کا استقبال رب نے سلام کے ذریعے, آپ کا رب آپ پر درود و سلام پڑھ رہا. اور یصلی کا ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونا, ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونا. رک جا حبیب, اب آپ کا رب خود آپ کے قریب آتا ہے. استقبال کیا, جب استقبال کیا تو پھر یہاں قربتیں شروع ہو گئیں. ثم دنا, پہلا قرب ہوا, یہ قرب اسماء تھا, یہ قرب اسماء تھا. فتدلا, یہ قرب افعال تھا. فکان کعبہ قوسین, یہ قرب صفات تھا. او ادنا, یہ قرب ذات. چار قرب ہوئے, کتنے؟ چار. دنا صفات مصطفیٰ, صفات خدا کے قریب ہو گئی. صفات خدا اور صفات مصطفیٰ میں قرب ہوا. اتنا انا اسماء مصطفیٰ اور اسماء خدا میں قرب ہوا, اتنا کہ خدا کے اسماء کا رنگ مصطفیٰ کے اسماء پہ چڑھ گیا. اب رنگ نام مصطفیٰ کے تھے, رنگ خدا کے, اس لیے وہ رؤوف تھا یہ بھی رؤوف ہو گئے, وہ عزیز تھا یہ بھی عزیز ہو گئے, وہ رحیم تھا یہ بھی رحیم ہو گئے, وہ شہید تھا یہ بھی شہید ہو گئے, وہ سمیع تھا یہ بھی سمیع ہو گئے, وہ بصیر تھا یہ بھی بصیر ہو گئے, وہ رحیم و رحمت تھا یہ بھی رؤوف و رحمت ہو گئے, وہ علیم تھا یہ بھی علیم ہو گئے. اس کے اسماء مصطفیٰ کے اسماء پہ غالب آ گئے. فتدلا, پھر اور قریب ہوا, پھر اللہ کے افعال مصطفیٰ کے افعال پہ غالب, اللہ کے افعال کا رنگ مصطفیٰ پہ چڑھ گیا,
अब जात मुस्तफा की रही मगर मुस्तफा के फेल खुदा के अफाल के रंग में रंगे गए, मुस्तफा के अस्मा अस्माए इलाहिया के रंग में रंगे गए। जब अस्मा पर अस्मा का रंग चढ़ गया, अफाल पर अफाल का रंग चढ़ गया, तो फरमाया और करीब हो फका नकाबा कौसैन, दो कमानों का फासला रह गया, यहां सिफात मुस्तफा सिफात खुदा के करीब हो गई। खुदा की एक एक सिफत का रंग मुस्तफा की सिफतों पर चढ़ गया, हुजूर की अपनी सिफतों का रंग उतरता गया और हुजूर की जात पर अल्लाह की सिफतों का रंग चढ़ता गया। अब चुनरी रंगी जा रही है, चुनरिया रंगी जा रही है, अल्लाह की सिफतों का रंग सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा। कोई कहे जी ये रंग कैसे चढ़ गया, ऐसे जैसे अल्लाह ने कहा अल्लाह से बेहतर किसका रंग चढ़ता है। तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक के रंग चढ़ा लो, अल्लाह की सिफतों के रंग चढ़ा लो, तो वो अल्लाह के अखलाक के रंग चढ़ गए मुस्तफा के खुल्क पर, अल्लाह की सिफात के रंग चढ़ गए मुस्तफा की सिफात पर। काबा कौसैन पर पहुंचे तो अस्माए मुस्तफा अस्माए खुदा में रंगे गए थे, अफआले मुस्तफा अफआले खुदा में रंगे जा चुके थे और सिफात मुस्तफा सिफात खुदा में बोलिए रंगी जा चुकी थी। जब सारे रंग चढ़ गए तो फरमाया हबीब अब तेरी जात रह गई, औ अदना और करीब हा, खुदा ने अपनी जात का रंग मुस्तफा की जात पे चढ़ा दिया। अल्लाह के अस्मा का रंग अस्माए मुस्तफा पे चढ़ना, ये अस्माए मुस्तफा का मेराज था। अल्लाह के अफआल का रंग अफआले मुहम्मदी पर चढ़ना, ये अफआले मुस्तफा का मेराज था। अल्लाह की सिफात का रंग सिफाते मुस्तफा पे चढ़ना, ये सिफाते मुस्तफा का मेराज था। अल्लाह की सिफात का रंग सिफाते मुस्तफा पे चढ़ना, ये सिफाते मुस्तफा का मेराज था। और बिलाखिर जाते खुदा का रंग जाते मुस्तफा पे चढ़ जाना, ये जाते मुस्तफा का मेराज था। जब मेराज कामिल हो गई, जात जात में रंगी गई, सिफात सिफात में रंगी गई, अफाल अफाल में रंगे गए, अस्मा अस्मा में रंगे गए, तो जब पलटे तो रंग इतना चढ़ गया था, रंग इतना चढ़ गया था। यहां एक बात समझा दूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, क्या बुखारी शरीफ की हदीस, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, जब हिजरत फरमा के मदीना आए कुबा में, तो लोग मिलने के लिए आए, आका अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे। जब मिलने आए तो कई लोगों को समझ नहीं आती थी कि मुस्तफ़ा कौन है और ग़ुलाम अबू बकर कौन है, कई उनके हाथ चूमने लगे, कई हुजूर के हाथ चूमने लगे। अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि आका और ग़ुलाम का फ़र्क इन्हें समझ नहीं आ रहा, वो चादर लेके खड़े हो गए हुजूर के सर अनवर पे तान कर, ताकि लोग समझ लें कि चादर तान के खड़ा है ये ग़ुलाम है ये आका। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने अब इसकी तफसीर करता हूँ। इस पर उलमा ने यह समझा, बाज़ उलमा ने, कि चादर इसलिए तानी ताकि धूप से बचाव हो, बाज़ ने यह समझा कि चादर इसलिए तानी के धूप से बचाव हो, यह ताबीर गलत है, इसलिए कि अमरे मुसल्लम है मुस्तफा पे धूप तो आती नहीं थी, बादल का टुकड़ा साया करता था, धूप कौन सी, वो तो बादल का टुकड़ा हर वक्त साया फिजन रहता था, तो धूप कौन सी, किस धूप से बचाने के लिए चादर तानी थी, तो पता चला मसला धूप वाला नहीं था। फिर सबब क्या था, किसी के पास कोई और सबब नहीं है, किसी के पास कोई और सबब नहीं है, हाँ अहले अदब के पास है, एक ही सबब है कि लोगों को मुखालता लग रहा था। सिद्दीक अकबर ने कहा कि मैं गुलाम बनकर चादर तान के खड़ा हो जाऊं ताकि हर कोई समझे कि आका और मौला ये सबब है,
अब ये आइमा उराफा मुहद्दिसीन ने जो अहले अदब मारिफत है बयान किया, उठा के देखिए किताबें। अब यहां सवाल पैदा होता है कि ये मुगालता लगा क्यों, ये मुगालता हुआ क्यों, क्या सिद्दीक अकबर की क्या शान के हुजूर जैसे लगे? कोई हुजूर जैसा नहीं, न कोई हुजूर जैसा लग सकता है। वो मुगालता हुआ क्यों? मेरी बात समझे, अबू बकर सिद्दीक हो, लाख अबू बकर सिद्दीक हुआ करो, अरे करोड़ अबू बकर सिद्दीक हुआ करे, वो मुस्तफा जैसे लग सकता है कोई? नहीं। फिर मुगालता क्यों लगा? अब ये सवाल है, उसका जवाब दो। वो ये हुआ कि तीन रातें गारे सौर में तनहा बैठे रहे। अबू बकर सिद्दीक की चोली थी, ताजदार कायनात का सर अनवर था, सिर्फ दो थे, कोई तीसरा ना था। सानियस्नैन इज़हुमा फिल ग़ार, सानियस्नैन इज़हुमा फिल ग़ार, दो में से दूसरा था, तीसरा कोई ना था। चूंकि दो रातें तीन रातें मुसलसल सिद्दीक अकबर की निगाह चेहरे मुस्तफा पे रही, और मुस्तफा की निगाह अबू बकर के चेहरे पे रही, वो जो तवज्जो बराह रास्त रही, इसको तवज्जो इत्तेहादी कहते हैं। तो हुजूर के बराह रास्त तवज्जो से चेहरे सिद्दीक अकबर पर अनवार मुस्तफा का कुछ परतो आ गया, अनवार मुस्तफा का रंग चढ़ गया था। वो जो जुज़्वी रंग बराह रास्त तीन रातें तकते रहने से, बगैर पर्दे के तकते रहने से रंग चढ़ गया था, उस रंग से कईयों को मुगालता हो गया। अरे तीन रातों को तकना, उसने इतना रंग चढ़ा दिया, और खुदा जाने काबा को सैन पर कितनी सदियां मुस्तफा तकता रहा, खुदा जाने कितनी मुद्दतें खुदा मुस्तफा को तकता रहा, मुस्तफा खुदा को तकता रहा। इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, ये कह रहा है, वही देख रहा था, वही सुन रहा था। वो जो बराह रास मा ज़ाग़ल बसर बनाता है, कुरान कहता है मा कज़बल फुआद बना रहा, दिल भी देखता रहा और आंखों ने ऐसा देखा कि न हद से गुजरी न जब की। अरे कितनी मुद्दतें आंख तकती रही और वो यार का पुखड़ा तकता रहा, उसका रंग कितना चढ़ गया होगा कौन अंदाजा। जब वो रंग चढ़ गया और इतना चढ़ गया, रंग चढ़ गया और इतना चढ़ गया, इसका अंदाजा मैं तो नहीं कहता, हदीसे बुखारी से सुना देता हूं, मैं कुछ नहीं कहता, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ हदीस से अर्ज करता हूं, कितना रंग चढ़ गया, इतना चढ़ा कि एक रोज हजरत मूसा ने तूर पर अल्लाह के दीदार की आरजू की थी, कहा था रब्बे अरिनी अंजुरी इलैक, मौला अपना मुखड़ा दिखा दे, मौला अपना आप दिखा दे। उसने कहा था लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, अभी तेरी आंख मुझे बराह रास्त देखने वाली नहीं है। और याद रख लो नबी की दुआ महफूज तो हो जाती है, कभी रद्द नहीं होती नबी की दुआ कभी। उन्होंने इल्तिजा की थी, मौला मुझे अपना मुखड़ा दिखा, रब्बे अरिनी अपना जलवा करा। अल्लाह पाक ने फरमाया तेरी आंख मुझे नहीं देख सकती, तेरी दुआ महफूज कर ली, ये उदार रहा चुका देंगे, उदार रहा कभी चुका देंगे। वो तूर का उदार था, जब मुद्दते चेहरे मुस्तफा पर अनवारों तजल्लियात इलाहिया का रंग चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, रंग से रंग भी बदल गए, ढंग भी बदल गए। जब खुदा के रंग में रंग कर मुस्तफा चले, अल्लाह ने पाक ने फरमाया मूसा आज तेरे उधार चुकाने का वक्त आ गया, आज मुस्तफा मेरे रंग में रंग कर आ रहा है, जात और सिफात मेरे जलवे हुस्न का पहरा लेके आ रहा है,
तूने मुझे कहा था रब्बे आरे नी, मुझे अपना आप दिखा, अपना आप। तो हम क्या करते हैं, जो आंख सूरज को बराहे रास्त न देख सके, जो आंख सूरज को बराहे रास्त न देख सके तो उसको आईने में दिखा देते हैं। आईना रखकर सूरज का अक्ष दिखा देते हैं कि बराहे रास्त तो नहीं देख सकते, लो आईने में देख लो ये सूरज है। तुम बराहे रास्त तो न देख सकते थे, आज मुस्तफा का चेहरा मेरा आईना बन गया है। छठे आसमान पे खड़ा हो जा, मैं 6 महीने के रोजे और 50 नमाजें देकर भेज रहा हूँ। और मौलाना रूम और कई आरिफ लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार इल्तिजा की थी। कितनी बार? उरफा बयान करते हैं 9 बार इल्तिजा की थी, 9 की 9 बार इल्तिजा महफूज थी। फरमाया तू खड़ा हो जा, मुस्तफा को तकते रहना, तेरी दुआ की इजाबत होती रह जाएगी। तूने 1 बार कहा था दिखा दे, 1 बार मुस्तफा को देखकर वापस भेजना, मैं भी 5 नमाजें माफ करके भेजूंगा। फिर तक लेना, फिर भेजना, 5 और भेजूंगा। 9 को 5 से जरब दे क्या बन, तो 9 बार 5 5 नमाजें माफ करके भेजता रहूंगा ताकि तेरी 9 की 9 दुआएं पूरी हो जाएं। तो मुस्तफा को 9 बार तक ले। अब मुस्तफा का तकना खुदा, मुस्तफा खुदा नहीं है। मुस्तफा, जो मुस्तफा को खुदा समझे वो मुशरिक है, जो मुस्तफा को खुदा समझे मुशरिक है, जो खुदा को मुस्तफा कहे मुशरिक है। मगर जो मुस्तफा को खुदा से जुदा समझे वो भी काफिर है। मुस्तफा को खुदा समझा मुशरिक हो गए, और मुस्तफा को खुदा से जुदा समझा तो काफिर हो गए। तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या। यह है अकीदा है सही। तो दीदार मूसा अलैहि सलाम जो हुजूर का दीदार करते रहे, वो तूर की दुआएं पूरी होती रही और उम्मत पे रहमतें होती रही, उम्मत पर रहमतें होती रही। और सबब यह था कि एक ही बार दुआएं माफ करते तो ना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं पूरी होती। फरमाया इधर तू तकते रहना, इधर बार बार मैं यार को तकता रहूंगा और फैज देता रहूंगा, बार बार अनवार और तजल्लियात की खैरात देता रहूंगा। गुफ्तगू खत्म करने के लिए, मेराज की शब जब आखिर पे पहुंचे तो बात बड़ी तवज्जो तलब है। मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुआ तूर पर। जब तूर की चोटी पे पहुंचे तो कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह ने कलाम किया तूर की चोटी पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जब अल्लाह ने कलाम किया तो कुछ हौसला हुआ, खुदा की हम कलामी से हौसला हुआ। अर्ज किया रब्बे अरेनी, मौला मुझे अपना आप दिखा, अपना आप। तो तलब की, दीदार की तलब की, जिसने तलब की उसे जवाब आया लन तरानी। मूसा अलैहिस्सलाम को मौका मिला तो कहा मुझे दीदार करा। बता रहा हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा क्या की, क्या अर्ज किया, दीदार करा। जब ताजदारे कायनात मुकाम काबा कौसैन ओ अदना पर पहुंचे तो अल्लाह ने हुजूर से भी पूछा, हबीब कुछ कहना चाहते हो? उधर मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा नहीं था, खुद अर्ज किया था दीदार करा। इधर पूछा हबीब कुछ कहना चाहते हो? जब मौका मिला तो देखिए, हजरत मूसा को मौका मिला तो दीदार मांगा, और जब मुस्तफा को मौका मिला तो क्या था? अल्लाह पाक ने फरमाया हबीब क्या कहना चाहते? अर्ज किया तहियात लिल्लाह व सलावात, मौला अपनी आजजी पेश करना चाहता। हाय हाय, अपनी आजजी पेश करना चाहता हूं, अपनी अब्दियत पेश करना चाहता हूं। वहां तलब दीदार है,
वहां बंदगी और आजजी की आरजू पेश हो रही है। गोया तलब भी फना हो चुकी, आरजू भी फना हो चुकी, कुछ भी ना रहा। बस मौला तेरे हुजूर ये बंदगी का कमाल है, ये मुकाम नबुव्वत पर अब्दियत का वो मुकाम है कि कोई नबी इस मुकाम अब्दियत पे ना पहुंच सका। तो अल्लाह ने जब कलाम किया तो पैगाम सलाम भी दिया, और हुजूर ने जवाब में अर्ज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन, हम सब पर सलामती है। तो दो सबक, सबक मेराज, पहला सबक मेराज सलामती है। मेराज की रात जो कलाम खुदा का और जो कलाम मुस्तफा का अलग तहकीक नमाज में मरवी है, जो नमाज में रिवायत हुआ वो कलाम सलाम है। उसने भी कहा महबूब सलामती, हुजूर ने भी कहा मौला सलामती, तो पता चला कि इस्लाम दीन सलामती है। इस्लाम में नफरत नहीं सलामती है, इस्लाम में तशद्दुद नहीं सलामती है, इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं सलामती है, इस्लाम में टेररिज्म नहीं पीस है, इस्लाम में इंतहा पसंदी नहीं सलामती है। अरे नफरतें फैलाने वालों, नफरत का कोई वास्ता अल्लाह के दीन से नहीं। अल्लाह का दीन मोहब्बत और सलामती पर कायम है। नफरत कदूरत कत्ल गारत दहशतगर्दी जबर और तशद्दुद का कोई वास्ता दीन मुस्तफा से नहीं। मुस्तफा का दीन सरासर सलामती है, लिहाजा सलामती दिल की सलामती, रूह की सलामती, बातिन की सलामती, जाहिर की सलामती, जुबान में सलामती, अमल में सलामती, किरदार में सलामती, बिहेवियर में सलामती, तनहा जिंदगी की सलामती, सोसाइटी में सलामती, पूरे आलम इंसानियत की। इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, दीन सलामती है। लिहाजा पहला पैगाम शबे मेराज का ये कि लोगों सलामती लिया करो, सलामती दिया करो, सलामती फैलाया करो। सूफिया औलिया उरफा और सालेहीन उनकी उम्र भर हर एक को सलामती अता करने में गुजर गई। हिंदू आता उसे भी सलामती से नवाजते, काफिर आता सलामती से नवाजते, जो आता सलामती से नवाजते। अरे जानवर के लिए भी सलामती है, दोस्त के लिए भी सलामती है, दुश्मन के लिए भी सलामती है। आओ इस्लाम के पैगाम सलामती को दुनिया में आम कर दो, मस्जिदों से नफरत की बुलंद होने वाली आवाजें खत्म कर दो, मिंबरे रसूल से दहशतगर्दी ललकारना झपटना मारना पीटना कतरो गारत गरी काफिर बनाना मुशरिक बनाना बिदती बनाना इस्लाम से निकालना, ये सब नफरतों की चीजें खत्म कर दो। अगले लोग काफरों को इस्लाम में दाखिल करते थे, हम मुसलमानों को इस्लाम से निकाल दो। सलामती का पैगाम अपने कौल और अमल और किरदार में आम करो, एक पैगाम। और दूसरा मेराज की शब आका अलैहिस्सलाम का पैगाम ये, अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ए हबीब तुझ पर सलाम हो। क्या फरमाया? अलैक, सीगा वाहिद है, हबीब नवेकला तेरे उत्ते सलाम हो। सुनया ओ सुनया नवेकला ते तू सलामती, तुझ पर सलामती हो। इसका अगर पंजाबी और सराय की जुबान में तर्जमा करे ना, तुझ पर सलामती हो, तो इसका माना है सोना तू जीदा रहे, और जीदा रहे सोने, तू सलामत रहे, जग जग जीवे, हंसता रहे सोने, सलामती रहे। सलामुन अलैक हबीब, तू सलामत रहे। ये खुदा ने किसको सलामती दी? सबका खुदा है वो, जो सबका खुदा है वो उस मुकाम पर फरमा रहा है हबीब सिर्फ तुझ पर सलामती। आए आए आए, आपने ये नुक्ता नहीं समझा।
वो जो सबका खुदा है, वो सबका खुदा होकर फरमाता है अस्सलाम अलैक हबीब, तुझ पर सलामती है। और कुर्बान जाए उसके मुस्तफा पर, इसलिए तो मुस्तफा बनाया। और जब आका जवाब में बोले, अर्ज किया मौला तेरी सलामती मुझे कबूल, मगर उसने कहा था सलाम अलैक तुझ पर सलामती हो। मुस्तफा ने जवाब दिया अस्सलाम अलैना, मौला तन्हा मुझ पर नहीं हम सब पर सलामती हो, सारी उम्मत पे सलामती हो। खुदा ने तन्हा मुस्तफा को सलामती का सेहरा बांधा, मुस्तफा ने उसमें सबको शरीक कर लिया। तो सुन्नत मुस्तफा और मेराज इंसानियत और मेराज अखलाक ये है कि जब भी सलामती चाहो तन्हा अपने लिए नहीं सबके लिए चाहो। क्या? जब खैर मांगो फकत अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांगो, और दूसरों के लिए जो जितना मांगता है रब उस कदर ज्यादा उसको अता करता है। रब कहता है कि बंदा होकर दूसरों की खैर मांगता है, मैं रब होकर कितना। तो पैगाम यह है कि लोगों दूसरों के लिए खैर देने वाले बन जाओ, तुम्हारे हाथ दूसरों के लिए उठा करें, रात को सजदे में जाओ हुजूर की उम्मत की खैर मांगा करो, इंसानियत की खैर मांगा करो, दूसरों के लिए दुआएं मांगा करो कि मौला हर को खैर कर दे, हर बीमार को शिफा कर दे, हर परेशान हाल को खैर कर दे, हर दुखी को सुख दे दे। अरे जो शख्स हर वक्त दूसरों के सुख मांगता है और इतना के अपने आप को भूल जाता है, रब उसको बहुत याद करता है। तो अजमत और मेराज ये है कि अपनी जान का सिर्फ लालच न करो, सबके लिए सोचो। क्या? सैयदना मौला अली अल मुर्तजा करम अल्लाह वजहुल करीम दुआ मांग रहे हैं, आका अलैहि सलाम पास से गुजरे, आपने आवाज सुनी, वो दुआ मांग रहे थे अल्लाहुम्मरहमनी, ए अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। ताजदार कायनात ने प्यार से सैयदना अली अल मुर्तजा को थपकी दी गर्दन पे, फरमाया अली उसकी रहमत वसी है, सिर्फ अपने तक महदूद क्यों करता है, यूं कह अल्लाहुम्मरहमना, मौला हम सब पे रहम फरमा। इंसानियत का भला चाहो, कुल गरीबों का भला चाहो, दुखियों का भला चाहो, तुम्हारी जात कुल दुखी इंसानियत के लिए मंबे फैज़ है। वो मुसलमान मुसलमान नहीं है जिसके वजूद से दूसरे को तकलीफ पहुंचे, ये पैगाम मेराज है। उसके सजदे कबूल नहीं जिसके वजूद से दूसरे को अजियत पहुंचे, जो दूसरे की इज्जत पे हमला करे उसकी नमाज कबूल नहीं, जो दूसरे को गाली दे उसका इस्लाम कबूल नहीं, जिसके हाथ दूसरे को तकलीफ पहुंचाए उसका ईमान कबूल नहीं। अरे मोमिन मुस्लिम वो है जो बोले तो दूसरे को सुख दे, जो करे तो दूसरे को आसाइश दे, जिसकी सोचों में हुजूर की उम्मत और दुखी इंसानियत रहे, वो खुदा के भी करीब है मुस्तफा के भी। वो लम्हे मेराज था जब सैयदना मूसा अलैहि सलाम को वक्त मिला तो जलवाए खुदा मांगा, और जब ताजदार कायनात को वक्त मिला तो आप पूरा हदीस का बाब उठा के देख लें, खुदा की कसम मुस्तफा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो मांगा उम्मत के लिए मांगा, जो मांगा उम्मत के लिए मांगा। विलादत हुई तो उंगली उठा के उम्मत के लिए मगफरत मांगी, मेराज पर गए उम्मत के लिए मांगा, कब्र अनवर पे लेटे हजरत अब्बास कहते हैं खुदा की कसम जब कब्र में लिटा चुके तो लब मुबारक खिल रहे थे, कान लगाकर सुने कब्र अनवर में लेट के कह रहे थे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, उम्मत को बख्श दे। सो सच्चे उम्मती होने का हक ये है कि हुजूर के इश्क में फना हो जाओ, हुजूर की गुलामी में फना हो जाओ,
हुजूर की इताअत और इत्तेबा में फना हो जाओ, हुजूर की अदब और ताजीम में फना हो जाओ, हुजूर के दीन की खिदमत में फना हो जाओ और हुजूर की उम्मत की खिदमत में फना हो जाओ और इंसानियत के भले में फना हो जाओ। बस बुलंद हो जाओ अपने आप से और गुम हो जाओ हुजूर के दीन, हुजूर की उम्मत और दुखी इंसानियत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दर्जे को बुलंद कर देगा। वो मुस्तफा का मेराज था, ये इंसानियत का मेराज।